अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो माशाल्लाह से आज मेरी बेबी का फेस रिवील हो गया है, और ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। सोनू बेबी, सोनू फातिमा, फातिमा अलाइना, अलाइना फातिमा, अलाइना फातिमा, 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 मम्मी मैं ये लगा ले लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर माशाल्लाह बोलेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर रुचना अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं उन्हें, बार बार उसके पास आते हैं और उसको बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं। तो माशाल्लाह से मेरी बेबी को ना बात करना बहुत पसंद है। वो जिस तरह से हम लोग उसके साथ बात करते हैं ना, वो भी हमारे से बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। और माशाल्लाह से भाई बहन में बहुत प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, और हमने नाम रखा था अलाइना फ़ातिमा। तो बस अभी अलाइना फ़ातिमा को मैं हमारे बहुत ही ख़ास, जो कि हमारे अब्बा के दोस्त हैं हुसैन मामू, जो कि स्पेशली मानवी से आए हैं बेबी को मिलने के लिए और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, दुआएँ देने के लिए। तो माशाल्लाह से वो हमारे फैमिली मेम्बर से कम नहीं है, हमारे लिए वो मामा मामी हैं, बट वो हमारे लिए ना मदर फादर की तरह हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी हुई उनके आने से। वो बोर्ड सब जने पूछ रहे नाम क्या है उसको। हमारे इसको व्हाट्सएप पर छोड़ोगा मुख ले लिया है बात करो। बोलती देखो बात करती हूँ, बात करती है। हाँ बस करे आंटी खाना। माशाल्लाह से सच में उनके आने से बहुत रौनक लग गई थी, और बहुत ही अच्छा लगा हम सबको, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हमारी खुशी में शामिल हुए उसके लिए। माशाल्लाह से मामी ने हमारे लिए तोहफे लाए थे, उसकी ज़रूरत तो नहीं थी बट उनका प्यार ही काफ़ी है। और यहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा है कि अभी किसकी शादी बाकी है, तो बस अभी अम्मी बता रहे थे कि वासिक की शादी बाकी है इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट अभी वासिक की ही शादी होने वाली है। तो वही डिस्कशन हो रहा था, और उनके आने से देख सकते हैं हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बस इंशाल्लाह आगे जो भी फंक्शंस होंगे तो उनके आने से अलग ही रौनक होगी, वो तो डेफ़िनेटली, क्योंकि अब्बा के दोस्त हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़ास दोस्त हैं हमारे अब्बा के, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है उनसे मिलने के बाद। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी प्यारी सी गुड़िया ना, उसकी खाला के पास है, और माशाल्लाह से वो दोनों बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। और बस अभी जो है ना प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर सारे गिफ्ट्स वगैरह रख रहे हैं सब लोग, और साथ में मेरे जो फंक्शंस के रस्म होते हैं ना वो हो रहे थे। बताओ यहाँ मामू का ड्रेस, ये वासिक मामू की तरफ से।
ये बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक ना वासिक मामू की तरफ से, उन्होंने ना बहुत ही शिद्दत से मेहनत से ढूंढ ढूंढ कर ना बेबी के लिए ये वाला फ्रॉक लेकर आए थे। और यहाँ पर मेरी फूल पिनाई हो रही थी, बस यही कुछ रस्में होती हैं तो बस वही करने लगे थे। तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि किस तरह से रस्में हो रही हैं, और अभी जो है ना गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे, मतलब जो जो भी गिफ्ट्स आए थे ना वो सारे यहाँ पर दिए जा रहे थे। और मेरे हमीदा भाभी की तरफ से भी ना उनके अम्मी की तरफ से ना गिफ्ट्स आए थे, उनके भाभी की तरफ से गिफ्ट्स आए थे, मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े, मेरे लिए कपड़े, बेबी के लिए कपड़े, और बेबी के लिए प्यारी सी गोल्ड की रिंग भी उन्होंने भिजवाई थी। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे उसके लिए। थैंक यू आंटी, मतलब वो दुबई में रहती हैं फिर भी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, इस ब्लॉग के ज़रिए से मैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहूँगी। और फिर ना यहाँ पर चाचा चाची के गिफ्ट्स हो गए थे और सब लोग गिफ्ट्स रख रहे थे, मामू मामी के गिफ्ट्स रख रहे थे, तौसीफ भाई की तरफ से गिफ्ट्स थे, और अभी आहत भाई और भाभी की तरफ से गिफ्ट्स थे मेरे लिए, बेबी के लिए, मेरे लिए कपड़े लेकर आए थे, बेबी के लिए भी बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस। और यहाँ पर ना भाई की तरफ से माशाल्लाह से उन्होंने भी गोल्ड की रिंग पहनाई थी, तो देख सकते हैं यहाँ पर भाभी जो है ना बेबी के लिए गोल्ड की रिंग पहना रही हैं। और माशाल्लाह बस बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सबका प्यार मिला और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था हम सबको भी, और बच्चों की भी बिस्मिल्लाह खानी हो गई थी। और ये भी भाई की तरफ से बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट सेट, माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा, कलर भी काफ़ी अच्छा था। तो बस यहाँ पर भाई के फ्रेंड्स भी लेकर आए थे कपड़े, भाई के फ्रेंड्स और मेरे कॉलिग्स लेकर आए थे, और घर के सारे रिश्तेदार जो भी आए थे ना सब लोग लेकर आए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं एक मामा मामी की तरफ से गिफ्ट मिल गया, और एक उनके अम्मी उनकी तरफ से भी जो है ना बहुत ही प्यारी सी गोल्ड रिंग मिली थी।
और बस यहाँ पर रस्में हो रही थी और थोड़ी बहुत हंसी मजाक चल रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था सब लोगों को। बस इसी तरह से हम लोग ने कुछ हैप्पी मोमेंट्स, कुछ लाइफ लॉन्ग फॉर एवर मेमरीज क्रिएट की। और अभी यहाँ पर आहत भाई मेरी रस्म कर रहे थे और बस हम उनको चिढ़ा रहे थे। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मतलब रस्में ना बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो यहाँ पर बस वही कर रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था सब लोगों को। अच्छी बात है। तीन चार पाँच ये फोटो मारना जी, वीडियो नहीं चल रहा हूँ। पप्पी दे जल्दी, परिसा परिसा पप्पी दे, जाओ जाओ पप्पी दे, पप्पी दे, कहाँ दे रहा, जल्दी पप्पी दे, पप्पी दे बने, आज पप्पू पप्पी जल्दी दे, लड्डू लड्डू या पिना पप्पू, बेबी को, बेबी को पापा को पप्पी दे, बेबी को पप्पी वाह सुमन, ये आ रहे हैं बात। हेलो गाइस, देखिए ये वासिक मामू की तरफ से अंगूठी है। मामू रिजेक्टेड, पिनाने तक भी नहीं देती थी, मामू रिजेक्टेड अंगूठे में पिनाने ये घुंघटे घुंघटे नहीं नहीं बता, पकड़ ली छोड़ो, पकड़ ली हमको हमको बिना बड़ी लाए ना रे, इल्ला ए नको दबो, पकड़ ली छोड़ो, कहां डाल बच्चे को, आधी बोल कर आया, पैसा मारना है क्या, निकाल जो में से सौ की नोट, निकाल जल्दी, मैं सवारी फेरी बेटा, निकाल जल्दी, आगे पीछे वाला लग रहे, अंगलियां तोड़ना तू, बाहर पीछे चेंज नहीं करने, चेंज नहीं है ना रे, ले 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 माशाल्लाह से मेरी बेबी गर्ल जो है ना रेडी हो चुकी है और अभी होगा बेबी गर्ल का केक कटिंग। तो माशाल्लाह से आज मामू का ड्रेस पहनकर बहुत ही प्यारी लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वाला फ्रॉक था तो बस वो जब नींद में थी ना हम लोगों ने उसको पहनाया और माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी लग रही थी। और आप लोग भी ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा और देख सकते हैं मतलब एकदम परी के जैसी लग रही है। आप लोगों को कैसा लगा वासिक मामू का गिफ्ट ज़रूर बताना और वासिक मामू की तरफ से ना प्यारी सी गोल्ड की रिंग भी मिली है मेरी गुड़िया के लिए। तो अभी है केक सेलिब्रेशन, केक कटिंग सेलिब्रेशन, तो यहाँ पर बेबी के लिए ना एक्चुअली ये केक कटिंग सेलिब्रेशन होने वाला है। तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का हम लोगों ने इस तरह से बोर्ड निकाल दिया था और बस कह लीजिए अब एक हैप्पी बर्थडे ही वाला केक है। आज बेबी का नेम सेरेमनी भी है और उसके लिए ना नेम नया आया है ना, तो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा लगा। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है बट नो प्रॉब्लम। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, देख सकते हैं यहाँ पर केक कटिंग करने के लिए ना बहुत ही एक्साइटेड थे। तो बस अभी जो है ना हम सब मिलकर जो है ना केक कटिंग करेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करेंगे।
जल्दी जा परीक्षा बेटा, जल्दी हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया और बेबी के लिए हम लोगों ने थोड़ी बहुत मेमोरीज़ बनाई और माशाल्लाह से यहाँ पर है मेरी बेबी गर्ल के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स जो कि मामू मामी की तरफ से, चाचा चाची की तरफ से, नानी की तरफ से, मामू की तरफ से और यहाँ पर हमारे भाभी के घर वालों की तरफ से, सबकी तरफ से गिफ्ट्स आए थे माशाल्लाह से, बहुत प्यारे थे। बस सब लोगों को मैं इस व्लॉग के ज़रिए से थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो आप लोग मेरी खुशियों में शामिल हुए उसके लिए बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से मेरी यूट्यूब फैमिली तो है ही, जो हमेशा मेरे लिए ब्लेसिंग्स देती है, मेरे लिए दुआ करती है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सो ये था कुछ प्यार भरे मोमेंट्स और बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। और बेबी के गिफ्ट्स के साथ साथ मेरे भी बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और बहुत ही अच्छा फंक्शन सक्सेसफुली रहा। सो या मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। और बेबी के लिए ना ज़रूर माशाल्लाह और बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट सेट आया था मेरे आहद भाई की तरफ से, बहुत ही प्यारा लगा। सो माशाल्लाह से सारे गिफ्ट्स, सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे। दिल से आप लोगों का शुक्रिया और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारे मेमोरीज वाले फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ तो इनको भी इन्जॉय कीजिए।